तखतपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बीजा में रहने वाले बसंत लाल वस्त्रकार एक किसान है। कुछ वर्ष पहले इनका निजी खेत, जिसे शासन ने भूलवश सरकारी जमीन घोषित कर दिया था, जिसके चलते बसंत लाल अपना धान सरकारी धान खरीदी केंद्रों में नहीं भेज पा रहे हैं, जिसके चलते इन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पहले बसंत लाल वस्त्रकार की जमीन को भूलवश सरकारी जमीन में शामिल कर लिया गया था, जिसकी जानकारी बसंत लाल को नहीं थी। धान की बिक्री हेतु जब वो जमीन का पंजीयन कराने पंजीयन केंद्र पहुंचा तो उसे मालूम चला कि उसकी जमीन से उसका नाम हट चुका है, वो जमीन सरकारी जमीन हो गई। काफी दुखी होकर बसंत लाल सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। वर्षों से बसंत लाल पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री के भी चक्कर लगाए, पर आज तक उनकी जमीन इनके नाम से नहीं हो पाई। धान खरीदी का आखिरी समय चल रहा है, अभी भी बसंत लाल को उम्मीद है कि इस वर्ष उसके धान की बिक्री हो जाएगी। बसंत लाल वस्त्रकार के प्रकरण के संबंध में जब संबंधित विभाग से जानकारी ली गई, तो पता चला कि जमीन संबंधित विभाग के द्वारा बिलासपुर कलेक्टर के पास फाइल भेज दी गई है, जो कि जल्द ही स्वीकृत होकर वापस आ जाएगी। इसके बाद ही बसंत लाल अपना धान सरकारी धान खरीदी केंद्रों को बेच पाएगा। बसंत लाल वस्त्रकार की उम्मीद अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, पर दुख की बात यह है कि इस वर्ष के धान खरीदी भी अब समाप्ति की ओर है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बसंत लाल इस बार सरकार को अपना धान बेच पाता है कि नहीं। सरकारी अमल तो यही बताते कि बन जाएगा। और पास 3 एकड़ 29 डिसमिल जमीन है, जेमा के बहुत सारा 5 नग खेती का डोली का शासकीय घोषित कर दे है, कुछ जमीन का भाई के नाम में कर दे है और कुछ जमीन का दूसर के नाम में करे है। एक मजेदार बात यह है कि बीजा में किसी भी वर्ग में लखन वल्द कन्हैया नहीं है, ओखर नाम में डाले है और बालाराम के नाम में डाले है, तो ओखर पिता ओखर रिकॉर्ड में नहीं दर्शाए। हाँ। सरकारी का तो बोल चुके होंगे। अच्छा हाँ। सरकारी जमीन बना दे है, यही नाम से मोर धान 3 साल हो गए, बिक नहीं पाते, बढ़े हुए खाद के रेट है, लेबर के रेट है, और मैं फांसी के सिवाय और कुछ मोला नहीं सूझे। बोल। शासन है किसान मन का बोनस दे थे और ऊंचा रेट में धान का ले थे, मोला 3 साल से लाभ कुछ भी नहीं मिल पाई। जमीन का धरे बैठे हाँ, एम कर्मचारी मन दूहे के कोशिश करे थे। बोल। मोला न्याय चाहिए और नहीं तो मैं फांसी लटके तैयार हूँ। 3 साल हो गए, कम बिका थे, जब से भूपेश सरकार आई और ऑनलाइन प्रक्रिया जारी हुई तो ओमा कम दर्शाएगी, तो पटवारी से मुलाकात करें। पटवारी है सुधार कर दे करके बोलत 3 साल लगा दी, ओखर बाद हमन ओखरे बताए रास्ता से तहसील ऑफिस में आवेदन डाले हैं, ओखर बाद वहाँ विलम्ब होत विलम्ब रह गए और फिर कलेक्टर साहब के पास 2 बार जन दर्शन मगन, ओखर बाद भी नहीं बनत रही, वहाँ लंबित रही प्रकरण, ओखर बाद यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भेंट मुलाकात हुई, वहाँ भी हमन पंजीयन कराएं सुधार के लिए, फिर भी अभी 30 जनवरी के आज तक मोर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुए है, तो मैं प्रार्थना कर उमन का बोला बन जाए कहा थे और धान बेचे की डेट है भाग गए थे। देखिए क्या है, आवेदक का जो जमीन है वो थानाधिकारी में शासकीय हो गया था, उसका हम जांच किए हैं और जांच प्रतिवेदन बनाकर SDM ऑफिस भेज दिया गया है और वहाँ से हमको सूचना मिली है कि ADM सर के पास भेज दिया गया है। अब आदेश आज शाम तक या मंडे तक आ जाएगा, थानाधिकारी अपन इसको चेंज कर देंगे, फिर वो व्यक्ति ध्यान भेज पाएगा। ठीक है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।